सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। नमस्कार, स्टेट मीडिया में आपका स्वागत है, मैं सोनू गुप्ता, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। मंगलवार को भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं जयंती के अवसर पर सरकार के कुप्रशासन के विरोध में विधानसभा स्तरीय भाजपा गद्दी छोड़ो मोर्चा तहसील मुख्यालय में भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भाजपा गद्दी छोड़ो पैदल मार्च की शुरुआत की और मझगवा मोड़ पर समापन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष आरती वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 1942 में मुंबई में महात्मा गांधी ने गद्दी छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देकर आंदोलन चलाया और 1947 में अंग्रेजों को भारत से भगाकर ही दम लिया। फिर जरूरत आ गई है कि भाजपा गद्दी छोड़ो, किसान परेशान है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, युवा बेरोजगार है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए 9-10 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मना रहे हैं। वह जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश यादव ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में तानाशाही चल रही है, युवा बेरोजगार है और किसान बेहाल है। इस मौके पर जिला सचिव सुभाष यादव, पीसीसी सदस्य कृपा शंकर, हिलौली ब्लॉक अध्यक्ष राकेश यादव के साथ भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? 1942 में गांधी जी ने बम्बई में अंग्रेजों गद्दी छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देके जो हमारा आंदोलन चलाया और हम लोगों ने 1947 में अंग्रेज को देश से बाहर करके ही दम मारा, उसी श्रृंखला में आज फिर ज़रूरत आ गई है कि भाजपा गद्दी छोड़ो, क्योंकि आज हमारा किसान परेशान है, हमारा नौजवान परेशान है, हमारा बेरोजगार परेशान है, महिलाएं बच्चियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इसी मुहिम के अंतर्गत 9 और 10 अगस्त को हम लोगों ने अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं कि भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान लेके चल रहे हैं। आज आपकी पदयात्रा कहां से कहां तक होगी? हमारी पूर्वा तहसील में है, सरगी सदेव गोविंद वल्लभ पंत जी की प्रतिमा से लेके मिर्जी चौराहा तक हम लोग पदयात्रा करेंगे, अपनी मांगे हम लोग कहेंगे और जनता को साथ लेके पदयात्रा। मांगे क्या हैं आपकी? मांगे नहीं, जो हम लोग मिशन लेके चल रहे हैं, किसानों को न्याय देना चाहिए, हमारे नौजवानों को नौकरी देनी चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, हम लोग महिलाएं बच्चियां हमारी सुरक्षित हो, किसानों को सही न्याय हो, इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोग जनता के बीच जनता के साथ पदयात्रा करेंगे। ठीक।